सो गाइस देखो, अब हम आपको बाबा जी के दर्शन कराएंगे। ये देखो, ये है मंदिर। ये देखो गाइस, ये साईं बाबा जी का मंदिर है। बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं मेरे साईं बाबा। ये देखो, हम अंदर आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखो गाइस, अंदर का सीन ऐसा है। हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और अब सुबह हो चुकी है गाइस, 8:30 बज चुके हैं। और आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और हम आपको आज क्या दिखाने जा रहे हैं? आज हम बाबा जी के दर्शन कराने जा रहे हैं, साईं बाबा जी के दर्शन। और जल्दी जल्दी आइए गाइस और बाबा जी के दर्शन कीजिए। तो सो हम दर्शन कराते हैं आप। सो गाइस देखो, अब हम आपको बाबा जी के दर्शन कराएंगे। ये देखो, ये है मंदिर। ये देखो गाइस, ये साईं बाबा जी का मंदिर है। बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं मेरे साईं बाबा। ये देखो, हम अंदर आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखो गाइस, अंदर का सीन ऐसा है। ये हमने सुबह ही पूजा कर दी है। और ये देखो, ये है मेरे बाबा जी। गाइस तो हाथ जोड़ लीजिए। सो गाइस, ये देखिए, ऊपर से पूरा ऐसे है। ये देखिए गाइस, ये इधर ये फूल लगा रखे हैं गाइस हमने। ये देखो। सो गाइस, साईं बाबा इतने अच्छे हैं। तो गाइस, ये जो कुआं है, ये 90 फीट का कुआं था इधर, जहाँ ये निशान बता रहे हैं। तो ये बहुत गहरा था, 90 फीट का था। तो इसके अंदर मोटर रखी हुई थी। तो जब बारिश पड़ती थी तो मोटर, जब कुआं भर जाता तो मोटर डूब जाती थी। तो तब मोटर डूब जाती थी तो वो ख़राब हो जाती थी। फिर पापा को अंदर जाना पड़ता था इतने गहरे कुएं में। तो फिर इतने गहरे कुएं में बहुत मुश्किल से जाते थे। और हम बाहर प्रार्थना करते रहते थे और बाबा जी बस संभाल करना। और ठीक ठाक आदत आ जाते थे बाहर पापा। तो पापा भी कभी कभी गैस ही बन जाते थे अंदर, सिर में दर्द होने लगता था, लेकिन मेरी मदद करते थे बाबा। और गाइस, एक बार मैं जब छोटी थी, बचपन की बात है, और मैं इस कुएं में, जो उनसे 90 फीट का कुआं था, तो मैं इसके अंदर पैर लटका के बैठ गई थी। मुझे पता ही था, मैं बच्ची थी और मैं पैर लटका के बैठ गई इसके अंदर। और तब इन्हीं के, देखो देखो गाइस, जब कोई मतलब भगवान मदद करते तो किसी के सहारे से करते हैं, किसी के बहाने से। तब पड़ोस की आंटी ने देख लिया था मुझे, तो तब एकदम से वो आई मुझे बचाने के लिए। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भगवान ने मदद की है। सो गाइस, इतने अच्छे हैं, इतनी मदद करते हैं, वो इतनी मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप भी भगवान को मानते हो तो आप कभी मात नहीं खा सकते कहीं भी, क्योंकि भगवान हमेशा साथ होते हैं और बहुत अच्छे, भगवान हमेशा मदद करते हैं हर किसी की। तो गाइस, हम स्कूल जाते थे, जैसे हमारे काम नहीं होते थे, मतलब उसका कॉपी का पूरा नहीं रहता था, तो हमें डर लगता था कि वो आज मैम मारेंगी। तो हम भगवान जी से प्रार्थना करते थे, भगवान जी प्लीज़ आज मैम को या तो ना आए या कुछ भी, मतलब किसी बहाने से वो रोक दे करते थे। मैम आती नहीं थी क्लास में, या कुछ भी काम कर देते थे, मैम नहीं आती थी, हमें बचा लेते थे वो, या घंटी लग जाती थी, अगला घंटा निकल जाता था, तो इसमें मतलब हमारी जान बच जाती थी। तो ऐसे ऐसे बाबा हैं हमारे, एकदम से मदद करते थे। तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा मदद करते थे। सो गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छे हैं। ये ब्लॉग भी मैंने इनके आशीर्वाद से शुरू किया है। बस इनका आशीर्वाद सबके साथ बना रहे गाइस। ये देखो फ्रेंड्स, अब हम दूसरे खेत में जा रहे हैं। ये देखो, ये रास्ता है, रोड है, रोड में जा रहे हैं अब हम। ये रोड है हमारे उधर खेत में जाने की, तब इस पर जाएंगे हम। सो गाइस, आज हम आपको दूसरा खेत दिखाएंगे अपना। उसमें हमने प्याज व्याज लगा रखा है, अब हम दिखाएंगे, आगे चल के बताते हैं आपको। सो गाइस, ये देखो, हम खेत में आ चुके हैं अपने। ये दूसरा खेत है हमारा, हमने ये प्याज लगा रखी है। और जहाँ जहाँ पे डंडी है ये ले ली है लोगों ने इधर ना। और इसमें ना बहुत ज़्यादा घास हो चुका है, तब घास निकाल रहे हैं हम। तो ये देखो, ये निकाल रही हैं हमारी मम्मी जी। ये देखो, ये घास निकाल रहे हैं, बारीक बारीक घास हो रही है सारे में, घास घास है ना, ये निकालना है। तब साफ़ हो जाएगी तो अच्छी हो जाएगी।
ये देखो गाइस, ये हमारा काम पूरा हो गया, हमने सारा घास निकाल दिया इधर, ये उधर तक पूरा। अब हम जा रहे हैं घर, अब हम घर जाए के खाना खाएंगे और फिर आराम करेंगे। सो गाइस, ये देखो हम घर आ गए हैं। ये देखो यहाँ पे पड़ोसियों के कपड़े धुल रहे हैं। ये देखो गाइस, अब हम आराम नहीं करेंगे, हमारा याद आ गया, अभी हमें नहाना है। तब नहा के तब मिलते हैं गाइस आपसे हम। सो गाइस, हम नहा चुके हैं और अब हम कहाँ जा रहे हैं, खेतों में। दोबारा से खेत में जा रहे हैं हम, और थोड़ा काम रह गया था उसे पूरा करके आते हैं, तब चलते हैं गाइस खेत में। ये देखें गाइस, यहाँ पे कितने फूल के पेड़ हैं। ये देखो, ये पूरा इधर भी इधर भी इधर भी। अब हम आ गए हैं गाइस अपने खेत में, इधर से ऐसे जाते हैं और ऐसे ऊपर करके इसको ऐसे। देखो ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो गाइस, हम फिर से आ गए हैं हम अपने खेत में। थोड़ा काम है ना इधर, तो ये काम पूरा करके तब फिर से घर चले जाएंगे। ये हमने देखो दाती उठा दी है, इससे साफ करेंगे हम घास। ये देखो कितना बथुआ हो रखा है ना, देखो देखो इसमें कितना बथुआ हो रहा है, ये सब इधर बथुआ बथुआ ही हो रहा है। ये देखो गाइस, हम इससे ऐसे घास निकाल रहे हैं, इसमें जो घास हो रहा है इसका बारी बारी घास हम ऐसे निकाल रहे हैं। ये प्याज है, ये प्याज वो नहीं होता इसके, वो मोटर वाला जो प्याज होता है वो बनता है इसकी जड़ में, जो इसका जड़ है ना जड़, तो उसमें मोटा प्याज बनेगा, वो लाल वाला जो प्याज होता है। और ये जो बथुआ है ना, ये इसका साग खाया, बहुत टेस्टी होता है, हमने बनाया था आज ना चने का साग, वो चना डाल के, चने का जो पत्ते होते हैं वो डाल के, पालक डाल के, बथुआ डाल के, खस्ता डाल के। सो गाइज, इतना टेस्टी हुआ ना, बहुत ज़्यादा, और किससे, चावल की रोटी से, बहुत अच्छा लगा। और चावल की रोटी खाते हम पूरे जाड़े ना जी, ठंड जो पूरा, वो चावल की रोटी खाते हैं हम पूरे जाड़े ना, और साग खाते हैं, बहुत अच्छा होता है ठंडियों में ना। और ये ऐसे ऐसे घास निकाल रही है, इतना घास हो रखा है इसमें, कितना बड़ा बड़ा घास हो रहा। और दूसरा जो हम पहले नलार थे तो उसमें तो और भी ज़्यादा था, इसमें फिर भी काम है। तो ये सब है यहाँ पर ना, ये थोड़ा काम कर रहे थे हम। देखो हमने थोड़ा सा उधर किया है पूरा, और थोड़ा रह चुका है, वो कल करेंगे। तो अब शाम भी हो चुकी है, अब ठंडा भी हो गया है, बहुत ठंड हो रही है आजकल। तो अब हम घर जा रहे हैं, तो घर में मिलते हैं गाइस। घर आ चुके हैं अब शाम के टाइम। ये अंदर से किसने बंद कर दिया यार, खोलो इसको। आउच, आ चोट लग गई, बंद कर दो इसको यार। सो गाइस, बहुत तेजी से मेरे हाथ में लग गया है, और अब हम घर आ गए हैं, और बहुत ठंडा हो रहा है। और गाइस ये देखो, अब हम ये मंदिर, अब हम शाम हो गई है, हाथ मुंह धो के पूजा करने के लिए जाएंगे। तो गाइस आप भी आओ जल्दी जल्दी पूजा करने के लिए, ओके। और ये देखो हम पूजा करने जा रहे हैं। तो गाइस हम हाथ पैर धो रहे हैं और मुंह धो रहे हैं, फिर मंदिर भी जाना है ना, शाम हो चुकी है, हम तो जलना चाहिए दिया। तो अब हम मुंह धो रहे हैं ना, तो तब मुंह धोएंगे अरे काहे कर रही हो, अरे ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात डाल दी आपने, ऐसे थोड़ी ना बोलना चाहिए, बंद कर दो फिर वो। सो गाइस, अब हम मंदिर जाने से जल्दी आइए, अब फिर मंदिर पूरी तो करनी बहुत सारी। ऐसे करना चाहिए मंदिर में चलने के लिए, है ना, और फिर ऐसे खोल के पूजा। हम बहुत अच्छी पूजा करते हैं, और ये
सो गाइज हम पूजा करके मंदिर से आ गए हैं और अब रात हो गई है गाइज, और अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग सुबह से लेकर शाम तक हमने बता दिया है जो भी हमने किया है वीडियो में। और गाइज भैया तो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि बहुत बिजी थे, इसलिए इस ब्लॉग में मैं ही हूँ। और गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा टाटा।